आपको एक चीज दिखाता हूँ यार जी, बड़ा मतलब हैरान करने वाली चीज है। वन पूरे नहीं उड़ाना, पूरे नहीं टू उड़ाना। अगर आधा घंटा बाइक और रहती ना, बाइक नीचे गिर जाती। एक मतलब कि गलत काम हो गया छोटा सा, ये बर्फ आके यहाँ पे अटक गई है और बाकी भाई डिस्क प्लेट को ना रस्सी चिपक गई है। डिस्क प्लेट गर्म थी तो उसके चिपक गई है। ग्लव्स में आके दिक्कत आती है तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि भाई 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 डूब जा रही। तो भाई ये चेक करो यार, एक बंदा हमारा इधर सोया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यार जी, बड़ा मतलब हैरान करने वाली चीज है। वन पूरे नहीं उड़ाना, पूरे नहीं टू उड़ाना। थ्री फोर ये फाइव, भाई सला दो सला दो भाई, फाइव मतलब जी पतली एक भी चीज नहीं है जिनमें से तीन रजाई है, ठीक है। तीन रजाई है, दो कंबल है ये वाले मोटे, तो समझ सकते हो भाई इधर कितनी ठंड है। सो भाई अभी हम निकल रहे हैं, चाय लाते हैं, चाय पीते हैं, फिर देखते हैं वो निकलते हैं यहाँ से। तो भाई ये चेक करो यार, मैंने रात को लगाई थी यहाँ पे बाइक। भाई अगर समझ लोगे, अगर आधा घंटा बाइक और रहती ना, बाइक नीचे गिर जाती। स्टैंड पूरा ही नीचे लग गया और बाइक भी देखो कितनी टेढ़ी हो गई है इधर से सारी। मतलब रात को इतनी बर्फ थी ना यहाँ पे, अब बर्फ बिल्कुल ही निकल गई है। सो अभी करते हैं अपने आरसी को कोल्ड स्टार्ट और निकलते हैं यहाँ से। भाई अपनी बाइक हो गई है स्टार्ट, अब रखते हैं इसको 5 मिनट ऐसे ही। फिलहाल तो इंजन का साइन भी आ रहा है यहाँ पे, चेक करो आप, ये ABS का ट्रैक्शन कंट्रोल और ये इंजन का साइन है, ये भी आ रहा है फिलहाल। भाई देखिए चेक करो यार, मैं चेक मतलब कि मैं सोचता इसकी एवरेज इतनी नहीं है, लेकिन इसकी यार बहुत एवरेज है। तो अभी भी फुल दिखा रहा है ये, लेकिन साइड स्टैंड लगा था ना बाइक, बिल्कुल ही नीचे तक चली गई थी। तो मतलब कि जब जब से मैं आया हूँ, दो सेल ही इसके लगे हैं, दो सेल रख लो, 600-700 का तेल लग गया है। सो आज हम निकल रहे हैं उधमपुर, तो अभी फिलहाल तो यहीं पे हैं, वीडियो वगैरह थोड़ी रील वगैरह शूट करेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। सो रूम में चाय पहुँच गई है, भैया फ़ोन कर रहे थे, अब थोड़ी देर इसको ऐसे ही रखते हैं तो चाय पीते हैं और दिखाते हैं आपको क्या सीन। सो गाइस अभी रुके हैं हम कुछ ऐसी जगह पे, ये चेक करो अब ये ब्लॉग ना भाई कम से कम भी 4-5 पार्ट में आएगा, या फिर 3-4 जितना पॉसिबल हुआ भाई उतने पार्ट में ही आएगा। तो बाकी पीछे आप ट्रैफिक देख ही पा रहे हो भाई, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। तो अभी हमें थोड़ी सी जगह मिली है फन करने के लिए, बस मैंने अपनी बाइक मतलब ली वहाँ पे, लेकिन बाइक नहीं भाई इजीली इसका टायर स्किड कर जाता है। तो अभी देखिए मेरे बैकग्राउंड में आपको जगह दिख रही होगी भाई, ये लगी है अपनी यहाँ से और पीछे लगी है ब्लैक बुल। सो ये जगह ही चेक करो आप, सामने दिख रही है वाली जगह, सो ये चेक करो भाई ये जगह है। अब हम यहाँ पे करेंगे फन थोड़ा सा भाई, इधर तक पहुँची हुई बाइक सारी, अगला टायर वो पहुँच गया था आगे, बट पिछला वाला टायर ये यहाँ पे था, तो अपनी बाइक नहीं जा सकी ज़्यादा आगे। सो अभी करते हैं फोन, करते हैं एंजॉय, दिखाते हैं आपको भी और खुद भी मजे करते हैं। सो गाइस ब्लॉग पे बने रहो, आपका भाई पिएगा स्ट्रिंग और फिर बाइक को बांधेगा रस्सी और बाइक लेके जाएंगे हम यहाँ पे भाई, लेके जाना है जो भी हो जाएगा भाई, कितना ही क्या करना है यार, ऐसे बाइक रोड पे चलाने का कोई मजा नहीं आ रहा। तो अभी लेके जाएंगे यहाँ पे, फिलहाल रस्सी वगैरह बांधते हैं पिछले टायर को, फिर देख भाई अभी फाइनली बांधेंगे इसके टायर को, ये वाली रस्सी पिछले वाले टायर को, सो कोई गलत सीन नहीं हो जाए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस क्योंकि यार चेन वगैरह बांधेंगे ना तो गलत सीन हो जाएगा, ये रस्सी है भाई टूट जाएगी इजिली, तो कोई चक्कर नहीं है। बाकी अभी लगाते हैं ये, बांधते हैं टायर को और फिर दिखाते हैं आपको नेक्स्ट। ये चेक करो यार भाई, अभी चेन सेट कर रहे हैं भाई, और भाई रहे हैं। देखो नया पार्ट, ये चेक करो यार आपका भाई रस्सी लगा के पूरा सेट हो गया, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात यही है भाई, ये इधर से कुछ है नहीं, तो रस्सी वगैरह लगा रही तो है बट पूरे टायर को कवर नहीं किया मैंने। अब पहले खाली चला के देखूंगा, ये पहले ढीली ऐसी लग रही है मेरे को। सो भाई अभी थोड़ी सी चलाते हैं फिर देखते हैं क्या सीन रहते हैं, कोई गलत पंगा नहीं हो जाए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी दूर आए हैं भाई। ये आपका भाई बैठ चुका है बाइक पे, अब ये भाई दिखाएगा आपको आगे, मैं चलाता हूँ तो भाई दिखाएगा आपको, तो देखना चेक करना भाई क्या मतलब कि होता है पॉसिबल, हमारा प्लान ही नहीं होता है भाई, एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो चेक करो देखते हैं आप। चलो सर दिखाओ, वीडियो बना रहा था इसके कपड़े तो गए, बाकी यार थोड़ा सही हुआ भाई, नहीं यार एक्चुअली ठीक थी ये, देखो यार बार घास आ जाता है नीचे जिसकी वजह से रस्सी टूट गई यार, उधर से इधर तक पहुंची और रस्सी टूट गई। सो भाई अभी देखते हैं क्या करते हैं, ऊपर जाती है कि नहीं जाती है देखते हैं। एक मतलब कि गलत काम हो गया छोटा सा, ये बर्फ आके यहाँ पे अटक गई है और बाकी भाई डिस्क प्लेट को ना
रस्सी चिपक गई है, डिस्क प्लेट गर्म थी तो उसकी चिपक गई है। अब यहाँ ठंडी होने का वेट करना पड़ेगा, तो भाई गलत पंगा ले लिया ऐसी बेकार का। आपके भाई ने बाइक पहुंचा दी है यहाँ पे, जो रस्सियां वगैरह थी भाई वो फेंकी है तोड़ के। भाई बड़ा टाइम लगा इसको खोलने में, कम से कम आधा घंटा लगा क्योंकि डिस्क प्लेट में फंस चुकी थी। तब तो हमने पहुंचा दी है यहाँ पे बाइक, और अब यहाँ पे रील वगैरह देखते हैं, फोटो वगैरह देखते हैं, और उसके बाद अपनी ब्लैक बुल भी रेडी हो रही है भाई, तो उसको भी यहीं पर ड्राइव करेंगे। सो गाइस व्लॉग पे बने रहो एंड एंजॉय करो। अपनी फाइनली ब्लैक बुल चढ़ चुकी है ऊपर टॉप पे, और रोड की हालत देखो भाई क्या हालत हुई है रोड की। ये अपने कैमरामैन भी आए हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी रोड की हालत देखो, वो हनी भैया सामने, और ये अपने कोल्ड भैया पत्थर वगैरह लगा रहे हैं क्योंकि गाड़ी ना बड़ी रिस्क से लेके हमने खड़ी की हुई है यहाँ पे, तो लोग भी भाई सो भाई देखना अब गाड़ी लगी वहां पे, वो भी आएंगे यहाँ पे तो दिखाते हैं आपको आगे का सीन। चेक करो आप, अंधेरा जैसा लग रहा है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा हो गया। और भाई के दोस्त वगैरह आए हैं जम्मू से, ये गाड़ियाँ लगी हैं दो तीन यहाँ पे, अपनी आरसी भी लगी है पीछे, और दिखाते हैं आपको ये ब्लैक बुल लगी है भाई, ये भाई वगैरह दिख गया यहाँ पे। बाकी धमाल आप लोगों ने देखा ही होगा यहाँ पे, क्या सीन हुआ है भाई नेक्स्ट लेवल। और नीचे भाई, और नीचे वाला सीन भी देखा होगा, वहाँ पे भी खतरनाक सीन हुआ है। सो गाइज आई होप आपने सबने इन्जॉय किया होगा, तो इन्जॉय किया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो अपने एक दोस्तों में। सो गाइज फाइनली अभी चाय वगैरह पी ली है यहाँ पे, मस्ती वगैरह फुल मस्ती कर दी है। सो गाइज अभी हम निकल रहे हैं उधमपुर, तो भाई अंधेरा भी होने वाला है, सो हमें मतलब कि लाइट लाइट में ही निकलना है। सो यही भाई लोग हैं जो अपने साथ तीन ही बंदे आए थे हम, और अभी जा रहे हैं घर में। तो अभी अगर रास्ते में पॉसिबल हुआ, अगर लाइट थोड़ी लाइट हुई तो मैं रास्ते में शूट कर दूंगा। सो निकलते हैं अभी यहाँ से। नहीं नहीं भैया बनाए हुए वो देखो आगे, अच्छा ये सारे आए हैं। हमारा अभी प्लान बना 3 बजे निकले, अभी पहुंचे हैं बैठे हुए। चलो ठीक है, और मस्त बस ठीक है, अभी चलता हूँ फिलहाल, ठंड बड़ी है। मैं रात को आया था, अभी वो निकल जाएंगे, चलता हूँ ठीक है। तो गाइस यहाँ पे दिख गए थे भैया जिनसे मैंने एग्जॉस्ट मंगवाया था, और यहाँ पे ना सफारी निकल गई आगे, यहाँ पे स्लिप बड़ी ज़्यादा लग रही है मेरे को, तो इसी से निकल जाएगी तो बेस्ट है भाई। तो भाई यार यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्लिप है, तो अभी चलते हैं भाई, भी बाइक लेके आए हुए हैं यहाँ पे। तो यार ठंड जैसे जैसे ऊपर ऊपर आ रहे ना वैसे वैसे ज़्यादा ठंड है। तो भाई अभी पता नहीं आपको अलविदा करने का टाइम आ गया है, गाड़ी रुक रही है। बाल भैया बाल ऊपर कर दो ठीक। तो भैया अभी निकल रहे हैं, फाइनली कर रहे हैं पत्नीटॉप को अलविदा, तो हम चल रहे हैं अब। आवाज देना कहां से आ रही है, टक 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 आ जा है टक 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 टक। और नहीं यार चैन की है, चैन की है, चैन की। तो जितनी भी स्नो थी ना सारी पिघल चुकी है, तो अभी और पड़ेगी फ्राइडे तक को। बोल रहे हैं कि फ्राइडे को शायद से दोबारा आए, बट मेरा कोई प्लान नहीं है क्योंकि यार बाइक पे ना यार भाई बहुत गंदी पूरी हालत होती है बाइक पे। तो भाई भी आए थे दो बोल से, उन्होंने पूरे राइडिंग गियर वगैरह पहने हुए थे भाई, मैंने हेलमेट के सिवा कुछ नहीं पहना है। मैंने ग्लव्स एक हाथ का खोला हुआ है, ये आधा सा खोला हुआ है, तो मेरे को वीडियो स्टार्ट स्टॉप करने के लिए दिक्कत आती है, बिना ग्लव्स के ग्लव्स लगा के दिक्कत आती है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि भाई 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 लोग जा रहे हैं। पावर में भाग रहे हैं भाई, पीछे आपका M2 4 भी भागने की कोशिश कर रहा है, बट यार 4 व्हीलर और 2 व्हीलर में बहुत ज़्यादा फर्क होता है खासकर। सो गाइस अभी फाइनली पहुंच गए सरमौली, यहाँ पे कर रहे हैं अब खाना वगैरह खा लेते हैं, कुछ भूख भी लग रही है, टाइम भी बड़ा ज़्यादा हो गया। ये लगी है ब्लैक बुल, उधर लगी है अपनी RC। सो अभी निकल जाते हैं यहाँ से, और आई होप कि अब ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। हम तीन बंदे थे, ये पीछे देख रहे होंगे हनी भैया, बाकी तो टूरिस्ट हैं यहाँ पे। सो गाइस अभी चलते हैं यहाँ से सीधा उधमपुर, और अभी अंधेरा भी होने वाला है। सो भाई ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है क्योंकि कपड़े गिले हो गए बर्फ की वजह से। सो गाइस हमने खाई यहाँ पे कलाड़ी दो वो भी क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लगी थी। तो अभी निकलते हैं यहाँ से उधमपुर। सो गाइस आपने सब मतलब जो भी ब्लॉग हैं जितने भी एपिसोड हैं, आई होप कि आप सबने इन्जॉय किया। सो अभी निकलते हैं भाई घर की तरफ, तो अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, मतलब 5-10 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। सो अभी निकलते हैं भाई घर में। सो गाइस जो भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, और लाइक कमेंट शेयर कर देना। गाइस फाइनली ब्लैक बुल लग रही है अपनी पार्किंग में, वो लगी है अपने यहाँ से। फाइनली हम उधमपुर पहुँच गए हैं भाई, बुलेट के शोरूम के बाहर भाई, अच्छी अच्छी बाइक भाई फाइनली पहुँच गए भाई उधमपुर में।
भाई क्या बताऊँ, इधर आके ना फिर थोड़ी मतलब इतनी ठंड नहीं लग रही है भाई, उधर उधर से आया मेरा, तब मेरे पाँव भी ठंडे हो रहे थे भाई, इधर आ गया अभी पाँव वगैरह सब ठीक हो गया। सो अभी निकाल रहे हैं अभी सामान। अनि भैया कैसा मजा आया आज फिर, कैसा मजा आया आज फिर भाई? सो भाई अभी भैया की कंडीशन देखो, कपड़ों की क्या हालत हो गई, अब जैसी गाड़ी वैसी भैया हो गया। सो अभी चलते हैं भाई घर में, तो मिलेंगे फिर तबाही वाले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।